देखो बाहर का मौसम कितना अच्छा है, मुझे यहाँ के ना मौसम से बहुत प्यार हो गया है। मतलब समर्स तो यहाँ की बहुत अमेजिंग है, विंटर्स का मुझे अभी पता नहीं है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रियल होम मेकिंग। आज का व्लॉग मैं कार से स्टार्ट कर रही हूँ बिकॉज हम लोग निकले हैं फैमिली डे आउट के लिए। कल चिल्ड्रंस डे आउट था और आज फैमिली डे आउट है, तो अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ के प्रीमियम आउटलेट मॉल जो है प्लेजेंट प्लेरी आउटलेट मॉल विस्कॉन्सिन में। तो हमने सोचा चलो थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं सिटी को, और हम लोगों को विंटर क्लोथिंग भी लेनी है क्योंकि हमारे पास यहाँ की विंटर्स के अकॉर्डिंग कपड़े नहीं हैं। तो सोचा थोड़ा सा देखना स्टार्ट करते हैं क्योंकि एकदम से तो यू नो विंटर क्लोथिंग काफ़ी एक्सपेंसिव होती है, तो एकदम से नहीं खरीदेंगे, धीरे धीरे करके खरीदेंगे। और अभी हमें देखना है कि किस तरीके के कपड़े लेने हैं, तो अभी हम लोग जा रहे हैं आउटलेट मॉल। और गोविंद भी एक्साइटेड है, हम सब एक्साइटेड हैं। और हम लोग ना घर से बहुत सारा खाना बना के लेकर आए हैं, लाइक हमने पराठे बना लिए हैं, सूखे आलू और मटर की सब्जी बनाई है, मैंगो शेक मैं लेकर आई हूँ, तो फुल हम लोग अपना पैकेज लेकर आए हैं। तो काइंड ऑफ ना पिकनिक फन होगा ये, कि खाना हम लोग घर का खा रहे हैं बट कहीं बाहर बैठ के खाएंगे तो मज़ा आएगा। तो आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी अपने हैप्पी मोमेंट्स। आप मुझे पता है बहुत इंजॉय कर रहे हैं मेरे शिकागो के ब्लॉग्स, तो इसी तरीके से देखते रहिए और इंजॉय करते रहिए। और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने वीकेंड पे क्या किया था। और आज मैंने ना थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल बनाया है, बीच की मांग निकाली है। मैं कभी भी बीच की मांग नहीं निकालती बट मैंने सोचा चलो आज चेंज करते हैं और ग्रीन आईलाइनर लगा के आई हूँ। मुझे ज़रूर बताइएगा कि मैं कैसी लग रही हूँ, हॉरिबल तो नहीं लग रही। यूएस में ना आउटकर्ट्स में आउटलेट मॉल्स बनाए जाते हैं जहाँ पे ना टैक्सेस थोड़े कम रहते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे सामान काफ़ी चीप मिल जाता है कम्पेयर टू द रेगुलर मॉल्स जो सिटी में होते हैं। हमारे ट्यूसॉन में तो काफ़ी पास ही था जो आउटलेट मॉल था, तो हम काफ़ी बार जाते रहते थे, बट ये थोड़ा सा हमारे घर से दूर है। तो आए हैं आज एक्सप्लोर करने, सबसे पहले हम लोग टॉय शॉप में जा रहे हैं। वो देखिए गोविंद तो घुस भी चुका है, तो जाके देखते हैं वो अपने टॉय शॉप को सबसे पहले एक्सप्लोर करेगा। रेड बॉल लिए, ये ब्लू भी बन जाए, ग्रीन भी बन जाएगी। ऐसे देखो, ऐसे ऐसे। तो गोविंद की शॉपिंग हो गई है टॉय शॉप से, उसने एक स्क्विशी बॉल ली है ऑरेंज कलर की, एंड वो बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग बेबी आई मस्ट से। पता है उसको हम कह देते हैं ना कि गोविंद ये वाला टॉय आपके घर पे है या ये गंदा टॉय है, तो वो सुनता है, समझता है बात को, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो उसने टॉय शॉप पे सारे टॉयज देखे बट ऑब्वियसली जो हमें नहीं खरीदने थे तो हमने बोल दिया कि बेटा ये वाला घर पे है, तो वो मान जाता है, जो कि बहुत अच्छा लगता है मुझे, यू नो। सो अभी हम लोग बैठे हैं, कुछ खाएंगे पिएंगे क्योंकि गोविंद भूखा हो गया है। उसको मैंने सुबह ना बनाना शेक पिलाया था, उसने पराठा नहीं खाया था तो वो भूखा हो गया है। हम लोग तो पराठा खा कर आए थे बट अब सब बैठे हैं तो फिर प्रॉपर लंच ब्रेक करेंगे और उसके बाद फिर हम फिर से घूमेंगे। और अंशुल इटालियन किचन से ये पिज्जा स्लाइस और पास्ता लेकर आए हैं, स्पेगेटी सॉस पास्ता, और ये कोल्ड ड्रिंक। तो कॉम्प्लीमेंट्री है, दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री। दो हम इतना सारा खाना घर से बनाकर लेकर आए हैं पर बाहर चटपट करना तो नेसेसरी है। हमने काफ़ी सारी शॉपिंग की कोलंबिया से और अभी अनिरुद्ध और अंशुल दोनों बहुत टायर्ड हो गए हैं, तो वो कार में बैठे हैं और मैं जा रही हूँ मेकअप स्टोर, क्योंकि मॉल आओ और मेकअप स्टोर ना जाओ तो ऐसा नहीं होता। अभी 4:30 बज रहे हैं और अभी मैं शाम की चाय बना रही हूँ।
मैं और अंशुल पियेंगे चाय और गोविंद का दूध गर्म हो गया है तो उसको मैं दूध पिलाऊंगी। आपको पता है यहाँ के ना हमारी चाय की कंजम्पशन बढ़ गई है क्योंकि यहाँ के ना ठंडा मौसम है तो शाम को मन करता है कि हम लोग चाय पिए और मैं बिना चीनी वाली चाय पीती हूँ। हम लोग घर लौटे थे एट अराउंड 2:30 और अभी 4:30 हुआ है। तब से बैठ के मैं थोड़ा सा चिल कर रही थी, गोविंद को सुलाने की बहुत कोशिश की बट वो बिल्कुल भी नहीं सोया क्योंकि ना लौटते में वो गाड़ी में सो गया था और बस वो आधा घंटा गाड़ी में सोता रहा और आते ही उसकी नींद खुल गई और फिर उसे नींद ही नहीं आई। तो आज हम लोगों ने ना बहुत शॉपिंग नहीं की, मैं कहूँगी मैंने बहुत विंडो शॉपिंग की है, कुछ ज़्यादा खास लिया नहीं। बट फादर्स डे की काफ़ी अच्छी सेल थी तो मेरे हस्बैंड के लिए हमने 2 जैकेट्स ली हैं, मेरे लिए भी जैकेट लिए हैं लेकिन वो पतली वाली फ्लीस जैकेट्स लिए हैं और गोविंद के लिए 1 जैकेट ली है। बट मैं आप लोगों को ना इसका एक प्रॉपर हॉल वीडियो के साथ इस सारी शॉपिंग को शेयर करूंगी क्योंकि अभी ना 4 जुलाई की सेल आने वाली है तो हम लोग प्लान कर रहे हैं कि हम लोग 4 जुलाई को भी शॉपिंग करेंगे क्योंकि विंटर्स यहाँ की सबने कहा है बहुत हार्श होती हैं और उसके लिए हमें मोटे मोटे जैकेट्स चाहिए जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव आते हैं। तो हम लोग सोच रहे हैं कि जब डिस्काउंट आएगा थोड़ा सा तो तब तब हम लोग शॉप कर लेंगे। तो आज हमें फादर्स डे का काफ़ी अच्छा डिस्काउंट मिला तो वही हम लोग सोच रहे थे कि अब 4 जुलाई को जाएंगे। तो आप लोग वॉच आउट करिएगा मेरी हॉल वीडियो के लिए क्योंकि मैं हॉल वीडियो में सब कुछ शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। तो बस अभी आके थोड़ा चिल किया, चाय वगैरह पी ली है और अभी मैं फिर से रेडी हुई हूँ क्योंकि अब हम फिर से बाहर जा रहे हैं। देखिए मौसम कितना अच्छा है। एक्चुअली अभी हम लोगों को जाना है इंडियन ग्रोसरी स्टोर क्योंकि थोड़ी सी सब्जी भाजी लेनी है और फिर हम लोग प्लान कर रहे हैं कि मंदिर जाएंगे। तो देखते हैं कौन से मंदिर जाते हैं क्योंकि यहाँ पे शायद हमारे एरिया में मुझे नहीं पता कि ज़्यादा मंदिर है या नहीं। शॉम्बर्ग में तो काफ़ी मंदिर है बट आई थिंक हमारे एरिया में भी एक मंदिर है, हिंदू टेम्पल है, तो शायद वहाँ जाएंगे। तो चलो चलते हैं। देखो बाहर का मौसम कितना अच्छा है, मुझे यहाँ के ना मौसम से बहुत प्यार हो गया है। मतलब समर्स तो यहाँ की बहुत अमेजिंग है, विंटर्स का मुझे अभी पता नहीं है। अभी हम लोग आए हैं हनुमान मंदिर, देखिए ये पीछे बहुत बड़ा हनुमान मंदिर है, मेरी तो पूरी स्क्रीन में फिट भी नहीं हो पा रहा और बहुत ब्यूटीफुल सराउंडिंग्स हैं, बहुत सारे गुलाब उगे हुए हैं यहाँ पे जो कि देखने में बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो अभी हम लोग चलते हैं अंदर, पहले शूज़ उतारेंगे और उसके बाद फिर मंदिर के दर्शन करते हैं। हम लोग आ गए हैं मंदिर से वापस और मंदिर बहुत बड़ा और बहुत ब्यूटीफुल था बट अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं थी तो आई एम वेरी सॉरी मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई। बट देखो मैंने वहाँ से मौली पहनी, तिलक लगाया और सैटरडे को वहाँ पे ना सुंदरकांड का पाठ होता है तो जब हम गए थे उसके बाद स्टार्ट हुआ था पाठ। तो सबसे पहले उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ किया था तो वो हमने पढ़ा हनुमान चालीसा। मन था कि हम पूरा सुंदरकांड पढ़ें, 6 to 8 होता है बट गोविंद वहाँ पे बिल्कुल बैठने नहीं दे रहा था तो हमने सोचा चलो हनुमान चालीसा पढ़ के घर चले जाते हैं। और बाहर थोड़ा सा ठंडा हो गया है क्योंकि बारिश हो रही है, हवा बहुत तेज थी। तो अभी हम लोग अपनी सोफा पे कवर लगा रहे हैं जो मैंने कल बेड बाथ से लिया था, आप लोगों को दिखाया भी था व्लॉग में। जब मैंने इसे पहली बार स्टोर पे देखा था ना तो ये कलर मुझे थोड़ा सा समझ नहीं आया था, अच्छा नहीं लग रहा था बट मैंने सोचा चलो ट्राई करते हैं और लगाने के बाद ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में आप लोगों को ये कैसा लग रहा है। और मुझे लगता है ट्विन साइज़ थोड़ा सा छोटा हो गया, मुझे किंग साइज़ की या क्वीन साइज़ की बेडशीट लेनी चाहिए थी इसके लिए। ऐसा लग रहा है कि मैं आप लोगों के साथ डिनर क्या शेयर करूं, इतना सिंपल डिनर बना रही हूं और ये मैंने थोड़े ही कुछ वीडियो पहले आप लोगों के साथ शेयर किया था तो आज डिनर में शेयर नहीं कर रही क्योंकि बस चावल रोटी दाल ही बन रही है। बट आज मैं ना साउथ इंडियन सोप करके रख रही हूं, मैं साउथ इंडियन डोसा वगैरह बनाऊंगी अब कमिंग वीक में तो वो हम लोग खाएंगे। अब इसकी वीडियो कम्प्लीटली चैनल पे है कि क्या रेशो हम उड़द दाल और चावल का लेते हैं तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। यस बेटा मम्मा इज मेकिंग राइस फॉर यू, यू वांट टू ईट राइस, मम्मा इज मेकिंग, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तो आप जरूर चेकआउट करिएगा।
तो आज की वीडियो में यही खत्म करती हूँ। अगर आपको ये छोटा सा प्यारा सा ब्लॉग पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा अगर आप मेरे से कनेक्ट करते हैं तो। और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है और कौन से पार्ट ऑफ द सीक्वेंस आपको सबसे ज्यादा पसंद आते हैं। फिर से मिलेंगे कौन नई वीडियो के साथ। चिल्ड्रन यू टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी संडे।